cocokidstoon. बच्चों, आज मैं आ गई हूँ एक और नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है रंगा सियार। सुनना पसंद करोगे? हाँ दीदी, अब सुनाओ ना, हम तो कब से बैठे हैं। एक दिन जंगल में रहने वाला चंद्रू नाम का सियार भूख से बेहाल भूख मिटाने के लिए नगर में आ पहुंचा। वह कुत्तों से घिर गया, वे उसे नोचने लगे। बचकर भागते भागते वो एक धोबी के मकान में घुस गया और नील की कढ़ाई में छपक से गिर पड़ा। कुत्तों के जाने के बाद वो भी बाहर निकला और जंगल में भाग गया। जंगल के जानवरों ने उसे देखा तो भयभीत हो गए और बोले, अरे ये कौन सा जानवर हमारे बीच में आ गया है। जब चंद्रू ने देखा कि उसको कोई पहचान नहीं पा रहा है, तो उसने एक तरीका सोचा। तब चंद्रू ने सबको बुलाकर कहा, मित्रों डरते क्यों हो, ईश्वर ने मुझे एक नए अवतार में तुम्हारा राजा बनाकर भेजा है। सबने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। सियार ने शेर को मंत्री, लोमड़ी को अपनी स्त्री और बाघ को नगर रक्षक बना दिया। प्रतिदिन शेर, लोमड़ी और बाघ जानवरों का शिकार करते और भोजन के रूप में उसे सियार को परोसते। वो आराम की जिंदगी जीने लगा और धीरे धीरे अपनी असलियत भूल गया। एक दिन उसकी सभा चल रही थी, तभी पास से सियारों के एक दल ने भूखना शुरू किया। उनकी हूक सुनकर चंद्रू खुशी से पागल हो गया और वो भी चिल्लाया, उसकी हूक ने उसकी पोल खोल दी। शेर आदि सभी जानवर समझ गए कि यह ईश्वर का भेजा कोई नया अवतार नहीं है, सियार है। इसने सबको मूर्ख बनाया है। सियार ने पोल खुलती देख भागने की चेष्टा की, पर शेर ने झपट कर पकड़ लिया और उसे मार दिया। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है, चाहे कुछ भी हो, है ना बच्चों? हाँ दीदी, सच कभी नहीं छुपता। बच्चों, आज मैंने तुम्हारे लिए एक और मजेदार कहानी सोची है। अरे वाह दीदी, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कौन सी कहानी है, बताओ ना। कहानी का शीर्षक है खटमल और कीड़ा। एक राजा एक सुंदर महल में रहता था। उसका शयनागार भी बहुत सुंदर था। राजा की शैया पर खट्टू नाम का खटमल छुप कर रहता था। एक दिन खिड़की से एक कीड़े को भीतर आते हुए खटमल ने देखा और कहा, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भीतर आने की, भाग जाओ वरना राज सिपाही मार डालेंगे। खट्टू नामक कीड़े ने कहा, कृपया मुझे बाहर मत निकालिए, मैं आपका अतिथि हूँ, मैंने राजसी खून का स्वाद नहीं लिया है, यदि आपकी अनुमति हो तो अपनी इच्छा पूरी कर लूं। खटमल ने पल भर सोचकर कहा, ओ कीड़े, मेरे अतिथि हो इसलिए सद्व्यवहार कर रहा हूँ, तुम राजसी खून का स्वाद ले लेना, पर इस कार्य में जल्दबाजी मत करना, जब राजा गहरी नींद सो जाए तभी जगना। भूखे कीड़े ने खटमल की बात अनसुनी करके राजा के कमरे में प्रवेश करते ही उसे काटना और खून पीना शुरू कर दिया। क्रोधित राजा ने सेवकों को बुलाकर डांटा, मूर्खो दिन भर क्या करते हो, खटमल नहीं देख सकते हो, पूरा बिस्तर छान मारो और खटमल को मार दो। यह सुनकर खटमल एक कोने में दुबक गया। कीड़ा उड़कर खिड़की से बाहर निकल गया। काफी देर ढूंढने के बाद सिपाहियों को छुपा हुआ खटमल मिला। सिपाहियों ने तुरंत उसे मार डाला। अनजान को अपना मित्र बनाने के कारण खटमल को जान से हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अनजान से मित्रता नहीं करनी चाहिए, याद रहेगा ना बच्चों? जी दीदी, हम जरूर याद रखेंगे इस बात को। cocokidstoon दीदी,
सुनाने वाले हूँ अपने पिटारे से? बताओ ना। बच्चों, आज मैं सुनाने वाली हूँ बोलने वाली गुफा की कहानी। तो चलो शुरू करते हैं। एक जंगल में शमशेर नाम का शेर रहता था। एक बार बहुत दौड़ धूप करने के बाद भी उसे कोई शिकार न मिला। उसे एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के भीतर जाकर उसने सोचा कि रात बिताने के लिए कोई जानवर गुफा में अवश्य आएगा, उसे मारकर भूख मिटाऊंगा। तब तक इस गुफा में ही छिप कर बैठता हूँ। थोड़ी देर में गुफा में रहने वाला भीखू नाम का गीदड़ वहाँ आ गया। उसने गुफा के बाहर शेर के पद चिन्ह देखे। पद चिन्ह भीतर तो गए थे पर बाहर नहीं आए थे। गीदड़ ने सोचा कि अवश्य ही कोई शेर भीतर है। अपनी शंका की सत्यता जानने के लिए उसने एक युक्ति लगाई। उसने बाहर से ही गुफा को पुकारा। गुफा, ओ गुफा, देखो तुम्हारा मित्र अपने वादे के अनुसार तुमसे मिलने आया है। तुम कैसी हो? गुफा से कोई उत्तर न पाकर गीदड़ ने एक बार फिर गुफा को आवाज दी। गुफा, ओ गुफा, देखो तुम्हारा मित्र तुमसे मिलने आया है। तुम कैसी हो? शेर ने सोचा कि ये गुफा शायद आज मेरे डर से नहीं बोल रही है। मेरे चुप रहने से गीदड़ को संदेह हो जाएगा और शेर गरज उठा। शेर की गर्जना से गुफा गूंज उठी। गीदड़ को शेर के होने का पता चल गया और वो सिर पर पैर रखकर भाग खड़ा हुआ। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? संकट सामने पाकर दुखी होने की जगह बुद्धि से उसे दूर करना चाहिए। हाँ दीदी, आप सही बोल रहे हो। हमें जरूर कोई ना कोई उपाय सोचनी चाहिए, है ना दीदी? हाँ। cocokidstoon। बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक कहानी सोच के आई हूँ। कौन सी कहानी दीदी, बताओ? कहानी का शीर्षक है युक्ति। अरे वाह, बताओ दीदी, जल्दी बताओ। तो सुनो, एक समय की बात है। एक बरगद के पेड़ पर कौवा दंपति प्रेम पूर्वक रहते थे। उसी पेड़ के कोटर में एक नाग रहता था। कौवी जब अंडा देती तो नाग उन्हें चट कर जाता। अपनी समस्या उन्होंने अपने मित्र गीदड़ से बताई। गीदड़ ने विचार कर उन्हें एक युक्ति बताई। मित्र, चिंतित मत हो, जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। महल से एक हार चुरा लाओ और कोटर में डाल दो। ध्यान रखना, हार चुराते हुए तुम्हें राज सेवक अवश्य देखे। कौवी महल पर मंडराने लगी। रानी तालाब में सखियों के साथ नहा रही थी। उनका हीरो का हार कपड़ों के पास रखा था। कौवी उसे चोंच में लेकर उड़ चली। रानी ने सेवकों को पुकारा। देखो देखो, कौवा मेरा हार ले जा रहा है, जल्दी उसके पीछे दौड़ो। पहरेदारों ने देखा और अपने शस्त्रों के साथ उसके पीछे दौड़ चले। कौवी उड़ती हुई बरगद के पेड़ के पास पहुंची और कोटर में हार को गिराकर स्वयं पेड़ पर बैठ गई। सेवकों ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। हार निकालने के लिए वे अपना भाला बार बार कोटर में डालने लगे। नाग बेचारा भाले के वार से घायल होकर बाहर भागा तो सेवकों ने उसे मार डाला। सेवक हार लेकर चले गए। कौवा दंपति खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? युक्ति बिगड़ी बात भी बना देती है, समझे बच्चों? हाँ दीदी, युक्ति माने आइडिया। cocokidstoon। दीदी दीदी, आज
कौन सी कहानी सुना रहे हो आप? जल्दी बताओ, हम लोगों से रहा नहीं जा रहे, जल्दी दीदी जल्दी। अरे बच्चों रुको रुको, जरा रुको, सोचने दो मुझे। हाँ, तो आज मैं तुम लोगों को जो कहानी सुनाने वाली हूँ उसका शीर्षक है जैसे को तैसा। रामलाल नाम के बनिए को एक बार व्यापार में भारी नुकसान हो गया। धन कमाने के लिए उसने परदेश जाने का निश्चय किया। उसके पास एक पुराना भारी लोहे का तराजू था। एक महाजन के पास जाकर उसने कहा, मेरा ये तराजू गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दे। महाजन ने उसे कुछ पैसे दिए और तराजू रख लिया और रामलाल पैसे लेकर परदेश चला गया। कुछ समय बाद धन कमाकर वापस आने के बाद वो महाजन के पास गया और उधार का पैसा लौटाकर अपना तराजू मांगा। महाजन बहुत ही लालची था, वो तराजू वापस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, अरे भाया तराजू तो चूहों ने खा लिया। रामलाल समझ गया कि महाजन उसे तराजू नहीं देना चाहता है। कुछ सोचकर उसने कहा, कोई चिंता नहीं, चूहों ने खा लिया तो ये उनका दोष है, तुम्हारा नहीं। खैर मैं नदी किनारे स्नान करने जा रहा था, तुम अपने पुत्र धनदेव को भी मेरे साथ भेज दो, वो भी स्नान कराएगा। महाजन को लगा वो रामलाल को बेवकूफ बनाने में सफल हो गया। महाजन ने अपने पुत्र को रामलाल के साथ नदी में स्नान करने भेज दिया। नदी के पास ही एक गुफा में रामलाल ने महाजन के पुत्र को बंद कर दिया। वापस जब महाजन के घर पहुंचा तो महाजन ने अपने पुत्र के विषय में पूछा कि वो कहाँ है। रामलाल ने कहा, उसे चील उठा कर ले गई। महाजन ने कहा, क्या चील भी इतने बड़े बच्चे को उठा कर ले जाती है क्या? मेरा बच्चा मुझे वापस दो, अन्यथा चलो धर्म अधिकारी के पास में। ठीक है, चलो धर्म अधिकारी के पास में, रामलाल ने कहा। मैं उन्हें बताऊंगा कि लोहे का तराजू अगर चूहे खा सकते हैं तो चील भी इतने बड़े बच्चे को उठा कर ले जा सकती है, चलो। महाजन को अपनी भूल का एहसास हो गया, उसने कहा, भाया माफ करो, मैंने झूठ कहा था, तुम अपना तराजू ले लो और मेरा पुत्र मुझे वापस दे दो। रामलाल ने पुत्र लौटा दिया और महाजन ने तराजू। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली? जो जैसा करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है, समझे बच्चों? जी दीदी। दीदी हम लोग आ गए। अच्छा तो दीदी आज आप कौन सी कहानी सुना रहे हो, बताओ ना। अरे बच्चों तुम लोग आ गए स्कूल से? आज मैंने एक बढ़िया कहानी सोच के रखी है तुम लोगों के लिए, एक शेर और चूहे की कहानी, तो चलो सुनते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। उसका नाम भीमा था। उससे जंगल के सारे जानवर बहुत ही डरते थे। एक दिन की बात है, वो भर पेट भोजन करके एक पेड़ के नीचे बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। शेर जहाँ सोया हुआ था उससे कुछ ही दूरी पर एक चूहे का बिल भी था। शेर के खर्राटों से डरकर जब चूहा अपने बिल से बाहर निकला तो पहले उसे देखकर थोड़ा डरा, लेकिन फिर वो सोचने लगा, अभी तो ये गहरी नींद में खर्राटे भर रहा है, इसलिए अभी तो ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चलो कुछ मस्ती ही कर लूं। वैसे भी इसके खर्राटे ने मेरी नींद खराब कर दी है। चूहा ये सोचकर सोते हुए शेर के ऊपर चढ़कर उछलने लगा। एक दो बार तो भीमा ने अपनी पूंछ मारकर चूहे को भगा दिया, पर मस्ती करने के लिए चूहा फिर उसके नाक पर चढ़ गया। तभी भीमा की आंख खुल जाती है और अपने आसपास चूहे को मस्ती करता देख उसे बहुत क्रोध आता है और वो चूहे को अपने आगे के पंजे में जकड़ लेता है और जोर से दहाड़ते हुए चूहे से बोलता है, शैतान चूहे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नींद खराब करने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तुम्हें खा जाऊंगा। ये बात सुनकर चूहे की हालत खराब हो गई। उसका हाल बुरा हो गया और उसके पसीने छूटने लगे। वो कांपती आवाज में भीमा से बोलता है, आप इस जंगल के राजा है, महाराजा है, मुझे आप पागल समझकर ही क्षमा कर दे। मुझ जैसे छोटे से जानवर को मारकर आपकी शान नहीं बढ़ेगी, बल्कि सारे जंगल के जानवर यही बोलेंगे कि महाराजा भीमा ने एक छोटे से चूहे को एक छोटी सी गलती के लिए मार डाला। चूहे की ये बात सुनकर शेर ने अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन बोला कुछ नहीं। फिर चूहे ने बोला, मुझे जाने दीजिए महाराज, मुझे मत मारिए महाराज, मैं वादा करता हूँ कि आज आप मुझे छोड़ देंगे तो जीवन में कभी ना कभी आपकी सहायता जरूर करूँगा। चूहे की ये बात सुनकर शेर जोर जोर से ठहाके मार कर हंसने लगा। और फिर बोला, तुम्हारे जैसा छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे इतनी हंसी आ रही है जितनी आज तक नहीं आई। खैर, आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुमने आज मुझे इतना हंसाया जिसका इनाम तुम्हारी जिंदगी है। ये कहते हुए शेर ने चूहे को छोड़ दिया। इस घटना के कई दिनों के बाद कुछ शिकारी शेर को पकड़ने के लिए जंगल में आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक मजबूत जाल बिछाई। एक दिन शेर उसी रास्ते से गुजर रहा था जिस रास्ते में जाल बिछा हुआ था, और बदकिस्मती से शेर उसी जाल में फंस गया। शेर ने उस जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकल ही नहीं पाया। शेर जोर जोर से दहाड़ मारने लगा, कोई है इधर जो मेरी मदद कर सकता है, कोई है। तभी चूहा वहां से गुजर रहा था। वो शेर की आवाज सुनकर तुरंत शेर के पास आ जाता है और बोलता है, ये कैसे हो गया महाराज, आप कैसे इस जाल में फंस गए। पर आप चिंता ना करें, मैं अभी अपने पैने दांतों से इस जाल को कुतर डालूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। ये कहकर चूहे ने जल्दी जल्दी उस जाल को कुतरना शुरू कर दिया। जल्दी ही शेर जाल से मुक्त हो गया। फिर चूहा शेर से बोला, उस दिन आप मुझ पर हंस रहे थे ना महाराज, मैंने आपसे कहा था ना, किसी ना किसी दिन मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एक छोटा और कमजोर प्राणी भी आपकी मदद कर सकता है। इस पर शेर बोला, हाँ दोस्त, आज से तुम मेरे खास दोस्त हो। आज तुमने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को भी छोटा और कमजोर नहीं समझना चाहिए। ईश्वर के बनाए हर एक प्राणी का अपना महत्व है। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती, और जो तलवार कर सकती है वो सुई नहीं। तो बच्चों, दोनों का अपना अपना महत्व है, समझे? हाँ दीदी, बहुत अच्छा था, समझ गए। कोको किड्स टून। दीदी दीदी, हम लोग आ गए स्कूल से। आपने कहा था ना रोज एक कहानी सुनाओगे, तो सुनाओ ना। तो आ गए तुम लोग, चलो बैठो। हाँ, तो आज मैं तुम लोगों को सुनाने वाली हूँ एक चूहिया की कहानी, जिसका शीर्षक है चूहिया का स्वयंवर। हाँ दीदी, बहुत अच्छा रहेगा, सुनाओ सुनाओ। ठीक है। गंगा नदी के किनारे तपस्वियों का एक आश्रम था। वहाँ पीताम्बर नाम के मुनि रहते थे। मुनिवर एक दिन नदी के किनारे जल लेकर आचमन कर रहे थे
कि उनके अंजुली में बाज के चोंच से छूटकर एक चूहिया गिर पड़ी। मुनि ने अपने प्रताप से उसे एक सुंदर कन्या में बदल दिया और अपने आश्रम ले आए। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, इसे प्रेम से अपनी बच्ची की तरह पालो। मुनि पत्नी उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुई और बड़े प्यार से उसका लालन पालन किया। जब वो विवाह योग्य हो गई, तब उन्होंने मुनि से योग्य वर ढूंढकर उसके हाथ पीले करने के लिए कहा। मुनि ने तुरंत सूर्य देव को बुलाकर अपनी कन्या से पूछा, पुत्री, त्रिलोक को प्रकाशित करने वाला सूर्य क्या तुम्हें पति रूप में स्वीकार है? पुत्री ने मना करते हुए कहा, नहीं, इनके तेज के कारण मैं इनसे आंख नहीं मिला सकती। मुनि ने सूर्य देव से पूछा, मान्यवर, आप अपने से अच्छा कोई वर सुझाएं। सूर्य देव ने कहा, मुझसे अच्छे मेघ हैं, वो मेरे प्रकाश को भी ढक देते हैं। मुनि ने मेघ को बुलाकर पुत्री से पूछा कि क्या वो उसे पसंद है। कन्या ने उसे काला कहकर मना कर दिया। मुनि ने मेघ से कहा, कृपया अपने से शक्तिशाली वर बताएं। मेघ ने कहा कि पवन उनसे अधिक ताकतवर है। यह तो बड़ा चंचल है, यह कहकर कन्या ने मना कर दिया। मुनि ने पवन से उत्तम वर के लिए पूछा तो उन्होंने कहा, पर्वत मुझसे अधिक अच्छा है। मुनि ने पर्वत को बुलाकर कन्या की राय जानी तो उसने कहा, पिताजी, ये तो बड़ा कठोर और गंभीर है। मुनि ने पर्वत से अधिक योग्य कौन है जब पूछा तो उसने उत्तर दिया, श्रीमान, मुझसे भी अच्छा चूहा है जो मुझे भी खोदकर उसमें बिल बना लेता है। मुनि ने मुषक राज को बुलाया। उसे देखकर कन्या बहुत प्रसन्न हुई और बोली, पिताजी, मुझे मुषिका बनाकर मुषक राज को सौंप दीजिए। मुनि ने पुनः उसे चूहिया बना दिया और चूहे के साथ विवाह करा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? जो जैसा है वैसा ही रहता है। हाँ दीदी, जो जैसा है वैसा ही रहता है। कोको किड्स टून। दीदी, हम लोग आ गए। अरे बच्चों, तुम लोग आ गए? हाँ दीदी, आज कौन सी कहानी सुना रहे हो? आज मैं तुम लोगों को सुनाने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जिसका शीर्षक है मित्रता। मित्रता यानी फ्रेंडशिप? वाव! हाँ हाँ, फ्रेंडशिप। तो सुनो, रामगढ़ नाम का एक शहर था। वहाँ बरगद के एक पेड़ पर बिट्टू नाम का एक कौवा रहता था। एक दिन वो भोजन की खोज में जा रहा था, तभी जाल लेकर एक शिकारी को पेड़ की ओर आता देखा। शिकारी ने पेड़ के नीचे जाल फैलाकर अनाज के दाने बिखेर दिए। उसी समय धुरंधर नाम का एक कबूतरों का राजा अपने कबूतर दल के साथ उड़ता हुआ वहां आया। बिखरे हुए अनाज के दानों को देखकर कबूतर अपना लोभ न रोक सके और दाने चुगने नीचे उतर आए। आओ आओ मित्रों, देखो नीचे कितने दाने बिखरे हुए हैं। आओ नीचे चलकर चुगते हैं। पेड़ के पीछे छुपे हुए शिकारी ने जाल को खींच लिया और सभी कबूतर जाल में फंस गए। बचाओ, 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 बचाओ। धुरंधर बहुत ही चतुर था। उसने शेष कबूतरों से कहा, मित्रों, डरो मत, हम सब एक साथ जाल लेकर उड़ जाएंगे और सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे जहां पर शिकारी ना आ सके। चलो, एक, दो, तीन। सभी कबूतर एक साथ जाल लेकर उड़ गए। शिकारी ने काफी दूर तक उनका पीछा किया, पर वे आंखों से ओझल हो गए। अंत में थककर शिकारी लौट गया। शिकारी के लौट जाने पर धुरंधर ने कबूतरों से कहा, चलो हम सब रामगढ़ शहर चले, वहां मेरा मित्र
चिंटू चूहा रहता है। वो इस जाल से बाहर निकलने में हमारी सहायता करेगा। चलो। वहां पहुंचकर धुरंधर ने आवाज दी, मित्र चिंटू बाहर आओ, मैं तुम्हारा मित्र धुरंधर कठिनाई में हूँ, हमारी सहायता करो। चिंटू अपने मित्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, ठीक है, तुम राजा हो इसलिए मैं पहले तुम्हें बाहर निकलने में सहायता करूँगा, फिर शेष कबूतरों को। परंतु धुरंधर ने चिंटू को मना करते हुए कहा, कृपया पहले मेरे साथियों का बंधन काटो, अपने लोगों का ख्याल रखना राजा का प्रथम कर्तव्य है। धुरंधर का प्रेम देखकर चिंटू बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं राजा का कर्म और कर्तव्य जानता हूँ, मैं सभी के बंधन काट दूंगा। चिंटू ने अपने साथी चूहों के साथ मिलकर अपने तीखे दांतों से पूरे जाल को काट डाला और सभी कबूतरों को आजाद कर दिया। धुरंधर ने चिंटू और उसके साथियों का धन्यवाद किया और अपने दल के साथ उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? आवश्यकता पड़ने पर सहायता करने वाला मित्र ही सच्चा मित्र है, समझे? हाँ दीदी, समझ गए। कोकोकिडस्टून, बहुत शैतानी करने लगे हो तुम लोग। हाँ दीदी, वो तो हम लोग थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। बहुत नटखट हो गए हो तुम लोग। चलो, तुम लोगों को मैं एक नटखट बंदर की कहानी सुनाती। एक गांव में एक आम के वृक्ष पर ढेर सारे बंदर रहते थे। उनमें से एक बंदर बड़ा नटखट था। उसे लोगों को परेशान करने में बड़ा मजा आता था। लोगों की चीजों से वो खेला करता था। शेष सभी बंदर खाते और मस्त रहते थे। एक बार कम वर्षा के कारण गांव में सूखा पड़ा। गांव वालों ने मंदिर बनवाने का विचार किया और सभी निर्माण कार्य में लग गए। एक दिन दोपहर में बड़े लोग काम छोड़कर खाना खाने गए थे। तभी नटखट बंदर अपने मित्रों के साथ वहां आ गया। उसने लकड़ी का एक लट्ठा देखा जिसे गुटके के सहारे खड़ा किया हुआ था। नटखट बंदर को कुछ समझ नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, ये है क्या? इन्होंने इसे इस गुटके के साथ फंसा कर रखा हुआ क्यों है? अगर मैं इसे खोल दूं तो क्या होगा? चलो देखते हैं। नटखट बंदर लट्ठे पर बैठकर उसे हिलाने लगा और गुटका निकालने की चेष्टा करने लगा। हिलते हिलते गुटका निकल आया। लट्ठा भारी था, खड़ा नहीं रह पाया, गिर गया और बंदर का पैर फंस गया। दर्द से बंदर कराहने लगा। उसकी शरारत का फल उसे मिल गया था। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? हर जगह अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए और बिना सोचे समझे कोई काम ना करे, याद रहेगा ना? जी जी जी। कोकोकिडस्टून, दीदी दीदी, आज कौन सी कहानी सुना रहे हो? हम तो पहले से ही तैयार बैठे हैं। अरे, तुम लोग पहले ही आ गए आज? चलो ठीक है, आज मैं ब्राह्मण और ठग की कहानी सुनाने वाली हूँ। चलो सुनते हैं। गंगाधर नाम का एक ब्राह्मण था। वो भिक्षा पर जीवन निर्वाह करता था। एक दिन एक धनी व्यापारी ने मोटा तगड़ा बकरा उसे दान में दिया। बकरे को कंधे पर रखकर ब्राह्मण घर आ रहा था। रास्ते में उसे तीन ठग मिले। बकरे को देखकर उसे पाने के लिए उन लोगों ने एक चाल चली। एक ठग ने गंगाधर के पास जाकर कहा, श्रीमान, आप ये कुत्ता कंधे पे उठा के कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण तो कुत्ते को छूते भी नहीं है। गंगाधर ने चिढ़कर कहा, क्या तुम अंधे हो? बकरे को कुत्ता कहते हो? ध्यान से जाइएगा, कहकर ठग चला गया। थोड़ी ही दूर जाने के बाद
दूसरे ठग ने आकर कहा, ओ श्रीमान, मरा हुआ बछड़ा कांधे पर क्यों ले जा रहे हैं? अरे मूर्ख, तुम्हें क्या नहीं दिख रहा है? ये मरा हुआ बछड़ा नहीं है, बकरा है, और वो भी जिंदा है। गंगाधर के नाराज होने पर ठग ने कहा, कृपया नाराज ना होइए, जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। गंगाधर के थोड़े और आगे जाने पर तीसरे ठग ने सामने आकर कहा, अरे रे 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 रे, कितना पतित कार्य आप कर रहे हैं, गधे को कांधे पर उठाया हुआ है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? अब गंगाधर को लगा कि हो ना हो ये कोई दुरात्मा है जो सभी को अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। डर के मारे गंगाधर ने बकरे को वही छोड़ा और अपने घर की ओर जान बचाकर भागा। तीनों ठगों ने तुरंत बकरे को पकड़ लिया और छककर उसका भोजन किया। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? यही कि बुद्धि से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। क्या कहते हो बच्चों? जी।